हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, इस वाले चैनल पर हम लोग CBSE बायोलॉजी 12th का जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। हमारी जो पिछली क्लासें थी उसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ही कंप्लीट हो चुका है। थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें फर्स्ट जो पोर्शन था उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको स्टार्ट किया था, तो उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो थे उसको हम लोग देख रहे थे। आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम लोग फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके स्टूडेंट्स, फीमेल बॉडी जो होती है, फीमेल बॉडी में प्यूबिक रीजन जो होता है या पेल्विक रीजन जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इसमें प्यूबिक रीजन जो होता है ये प्यूबिक रीजन इसमें फर्स्ट जो पार्ट होता है ये जो फर्स्ट पार्ट होता है यहाँ पे स्वेल्ड पार्ट है ये वाला, और यहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला जो हेयर्स वाला पोर्शन है यहाँ पर स्वेल्ड पार्ट होता है, क्योंकि इसमें एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो स्टोरेज होते हैं। सो इट इज कॉल्ड मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस। ओके, नेक्स्ट दूसरा जो पार्ट होता है इसकी इनर जो फोल्डिंग होती है, इस इनर फोल्डिंग पे जो है ये होते हैं, यहाँ पे ये जो लेयर होती है ये भी हेयर से कवर्ड होती है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। इट इज नोन एज लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा होता है, इसके इनर जो फोल्डिंग होती है यहाँ पे इनर फोल्डिंग प्रेजेंट होती है, इट इज नोन एज लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो होता है ये लेबिया माइनोरा मेल्स के अंदर जो सेक्रोटम होता है उस सेक्रोटम का होमोलोगस ऑर्गन होता है ये। लेबिया माइनोरा जो है ये सेक्रोटम का होमोलोगस ऑर्गन होता है। नेक्स्ट वन, इसके इनर वाले जो साइड होती है, इस इनर साइड में अपर जो एंड होता है इट इज ये होता है इसमें एंटीरियर, एंटीरियर एंड एंड सेकेंड वन पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एंड। तो इसका जो एंटीरियर एंड होता है इस एंटीरियर एंड के ऊपर यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल शेप में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इट इज नॉन एज क्लिटोरिस और क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जो होता है ये क्लिटोरिस मेल्स जो होते हैं, मेल्स का जो पेनिस होता है उसका होमोलोगस ऑर्गन होता है ये जो है, ये मेल्स का जो पेनिस होता है उस पेनिस का होमोलोगस ऑर्गन्स होता है, और इसके ऊपर जो है बहुत ही सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये वाले जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं ये फीमेल बॉडी में सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग एक्साइटमेंट जो होते हैं उसको क्रिएट करती हैं। तो क्लिटोरिस जो होता है इसका फॉर्मेशन कार्पस कैवरनोसा, कार्पस कैवरनोसा से इसका फॉर्मेशन होता है, और ये जो है एक इरेक्टाइल, इरेक्टाइल ऑर्गन होता है ये जो है, ये क्या होगा इरेक्टाइल ऑर्गन। तो ये जो है ये इसके एंटीरियर एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद में यहाँ से इनर जो लेबिया माइनर होता है, इस लेबिया माइनोरा के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है ये होता है इसमें वेस्टिब्यूल, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो कंप्लीट पोर्शन है इज नोन एज वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। ये जो वेस्टिब्यूल पार्ट होता है इस वेस्टिब्यूल पार्ट के अंदर जो है मेनली दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, एंटीरियर एंड जो होता है इस एंटीरियर एंड के ऊपर यहाँ पे जो है यहाँ पे होता है ये,
यूरिनरी ऑरिफिस, ओके, ये जो है ये होता है इसमें यूरिनरी ऑरिफिस, यूरिनरी ऑरिफिस इसको जो है यूरिनरी ऑरिफिस और यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग ये वाला होता है। इसके जस्ट नीचे वाली साइड होती है इस, ये वाली जो साइड यहाँ पे पोस्टीरियर जो एंड होता है, पोस्टीरियर एंड जो है इस पोस्टीरियर एंड पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो होता है ये होता है इसमें जो है ओपनिंग ऑफ वेजिना, ये जो है यहाँ पे ओपनिंग ऑफ वेजिना, ओपनिंग ऑफ वेजिना। तो ये जो वेस्टिब्यूल होता है वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग होती है, फर्स्ट जो होता है ये होता है इसमें यूरिनरी ऑरिफिस या जो यूरिथ्रल ओपनिंग, और नेक्स्ट जो पार्ट है ये होता है इसमें ओपनिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ वेजिना। ये वाला जो वेजिना है ये जो है इनर साइड के अंदर है बॉडी के अंदर, वहां पे ये यूट्रस के साथ अटैच होता है, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है वो कहलाएगा इसमें वेजिना। सेकंड जो है ये वाला जो है यूरिथ्रल ओपनिंग, ये जो यूरिथ्रल ओपनिंग है ये यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच होता है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। तो ये जो है ये कंप्लीट पोर्शन जो है ये कहलाएगा इसमें वेस्टिब्यूल। अब ये वाला जो ओपनिंग ऑफ वेजिना है, ये ओपनिंग ऑफ वेजिना जो है ये यहाँ पे जब फीमेल जो होती है, फीमेल जब टीनेज स्टेज में आती है तब तक, या फिर जो है जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है तब तक ये वाली जो है वो एक थिन लेयर से यहाँ पे कवर होती है, ये जो है ये पार्सली यहाँ से कवर रहेगी, ये पार्सली यहाँ से कवर होती है, सो इट इज़ नोन एज हाइमन। ये जो लेयर रहेगी ये रहेगी इसमें हाइमन, और हाइमन जो होता है ये हाइमन जो होता है, हाइमन जो है ये जैसे फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं या एथलेटिक एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, साइकिलिंग है, रनिंग है, उस दौरान जो है ये फीमेल यदि ऐसी एक्टिविटी करती है तो उससे ये वाली जो है वो ब्रेस्ट हो जाती है, टूट जाती है, या फिर जो है ये फर्स्ट टाइम जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस दौरान जो है वो ये ब्रेस्ट होती है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के अंदर ये वाली जो इसकी प्रेजेंस जो है उसको वर्जिनिटी सिंबल माना जाता है, यदि ये वाली प्रेजेंट है तो वर्जिन है, नहीं तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये जो है ये एक फिजिकल एक्टिविटी जो होती है या स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो होती है उससे भी ब्रेक हो सकती है, ओके। तो ये वाला जो है ये कहलाएगा इसमें हाइमन लेयर, हाइमन लेयर। इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है वेजिनल वेजिनल ओपनिंग जो है इसके दोनों साइड में वेस्टिब्यूल जो है इसके दोनों साइड में यहाँ पर वन पेयर जो है एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और ये जो ग्लैंड होती है ये होती है इसमें बार्थोलिन ग्लैंड, ये जो है ये इसमें बार्थोलिन ग्लैंड, ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करती है, ओके। ये जो है ये इसमें फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसके जो है लोअर साइड यहाँ पे जो है ये एनएस इसमें प्रेजेंट होता है, ये जो है ये इसमें एनएस एनएस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ओके। तो ये जो है ये होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है एक तो ये प्यूबिक एरिया जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसकी जो आउटर ओपनिंग होती है ये जो है ये टोटल आउटर ओपनिंग है, इट इज कॉल्ड वल्वा, ये जो है ये कहलाती है इसमें वल्वा। अब यहाँ से जो है इसके अंदर सबसे एंटीरियर जो एंड है, एंटीरियर एंड के ऊपर यहाँ पे एडिपोज टिश्यू जो है वो स्टोर होते हैं, तो ये स्वेल्ड पार्ट होता है जो कि हेयर से जो है वो कवर्ड होता है, सो इट इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो है इसके जस्ट लोअर वाले साइड में जो है हेयर से कवर्ड इनर ओपनिंग होती है, इट इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो होता है ये हेयर से कवर्ड होती है, और इसकी इनर जो फोल्डिंग होती है उसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते, वो हेयरलेस या स्मूथ होती है, इट इज नोन एज लेबिया माइनोरा। एंड लेबिया माइनोरा इज द होमोलोगस ऑर्गन ऑफ सेक्रोटम ऑफ मेल्स, मेल्स जो होते हैं मेल्स के सेक्रोटम का होमोलोगस ऑर्गन होता है, सॉरी। नेक्स्ट इसके इनर जो है लेबिया माइनर के इनर वाली साइड में जो ओपनिंग पार्ट है इट इज नोन एज वेस्टिब्यूल, एंड इन द वेस्टिब्यूल टू ओपनिंग्स आर ओपन, फर्स्ट वन यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग जो होती है ये
यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच होती है जहां से यूरिन पास आउट होता है। नेक्स्ट सेकंड जो होता है, सेकंड पार्ट है इसमें ओपनिंग ऑफ वेजिना। ओपनिंग ऑफ वेजिना जो है ये इनर वाले साइड में जो है बॉडी के इनर साइड में यूट्रस, यूट्रस के साथ अटैच होती है। ओके तो ये जो है ये इसमें कहलाएगा ओपनिंग ऑफ वेजिना। और ओपनिंग ऑफ वेजिना जो है एक पार्शियल जो है पार्शियली कवर्ड होती है एक लेयर से, इट इज नोन एज हाइमन। और हाइमन की जो प्रेजेंस होती है, प्रेजेंस और एब्सेंस जो है इसको वर्जिनिटी सिंबल माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो होती है उनसे भी ब्रेक हो जाती है। वर्जिनिटी का मीन्स होता है फीमेल्स दैट नॉट हैव एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्सपीरियंस नोन एज वर्जिन। तो ये जो है ये वर्जिनिटी का सिंबल नहीं है। ओके नेक्स्ट वन, इसमें जो है वेस्टिब्यूल, जो है वेस्टिब्यूल के लास्ट पोस्टीरियर एंड जो होता है इसके दोनों साइड में यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। और ये वाली जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग जो है वो इस पाथवे को जो है स्मूथ जो है बनाने का काम करती है इसके साथ। और इसका जो लास्ट पार्ट ये जो है ये एनस, इट इज फीमेल एक्सनल जेनिटेलिया। ओके नेक्स्ट वन, इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से थे फीमेल बॉडी में? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे ओवरी। तो यहाँ पे आप हम लोग जो है ओवरी की स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवरी के लिए हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी ये वाले जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर फीमेल गैमेट एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है तो इनकी जो स्ट्रक्चर है, एक तो ये वाले जो है वो वन पेयर होते हैं बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी जो होती है उसमें वन पेयर ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम लोग जो है अब इसकी टीएस स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी करेंगे। एक तो इसके आउटर वॉल जो होती है ये जो है ये ओवरी, और इस ओवरी जो है इस ओवरी के दो पार्ट होते हैं। एक जो है इसका ये आउटर पार्ट है जो ओवरी वाल कहलाती है। ये जो ओवरी वाल होती है ये ओवरी वाल थ्री लेयर्स जो होती हैं उनसे कवर्ड होती है। तीन लेयर जो है वो इसके अंदर पाई जाती हैं। फर्स्ट इसमें ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ऐसे बनाते हैं इसको, ये मिडिल लेयर हो जाएगी इसमें इस टाइप से। इसके आउटसाइड में जो है दूसरी लेयर प्रेजेंट रहेगी। ओके और ये इसके आउटसाइड में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फर्स्ट जो लेयर है आउटरमोस्ट लेयर इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फर्स्ट वन इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सेकंड वन जर्मिनल एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम, एपिथीलियम एंड लास्ट जो लेयर है लास्ट लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका प्रोपेरिया। ये जो है ये क्या लगे इसमें ट्यूनिका प्रोपेरिया, ट्यूनिका प्रोपेरिया। तो ये वाले जो है ये स्टेप्स इसमें थ्री लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तीन जो लेयर है इसके आउटर मोस्ट जो लेयर है इट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सेकंड जर्मिनल एपिथीलियम एंड थर्ड वन ट्यूनिका प्रोपेरिया। ये जो जर्मिनल एपिथीलियम होती है इससे एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, उसी के अंदर यहां से जो है स्टेप्स हैं फॉलिकल्स जो है उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इनका जो मैच्योरेशन होता है ये टीनेज में जाके होता है। तो ये जो है ये कहलाती है इसमें फॉलिकल्स, जर्मिनल फॉलिकल्स, फॉलिकल। इसका इनर वाला जो पार्ट होता है ये जो इनर पार्ट होता है ये दो पार्ट में जो है डिवाइड होता है। इसका आउटर जो पार्ट है इट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और बीच वाला जो पोर्शन है आउटर जो है ये डेंस पार्ट से फॉर्म्ड होता है। डेंस पार्ट जो है इसमें लिक्विड मैटर वो प्रेजेंट होता है उससे इसका फॉर्मेशन होता है, इट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। और मिडिल वाला जो पार्ट है इट इज नोन एज मेडुला, इनर मोस्ट जो पार्ट है वो कहलाता है इसमें मेडुला। और ये वाला जो मेडुला होता है इसके अंदर यहां पर ब्लड वेसल्स जो है वो इस टाइप से प्रेजेंट होती है,
ये वाले जो ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ ये वाले जो हैं ये फोलिकल्स होते हैं, ओवेरियन फोलिकल्स जिनसे कि ओम का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाले जो है पोर्शन ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये ओवेरियन फोलिकल्स जो होती हैं, इन ओवेरियन फोलिकल्स का जो है लगातार इसमें डिवाइडेशन होता रहेगा, उसके बाद में क्या होगा इनमें से कोई भी एक जो है वो साइज में बड़ी हो जाती है ऐसे, और बाकी वाली जो है बाकी वाली इसके चारों तरफ इस टाइप से लेयर्स में अरेंज हो जाती हैं ऐसे, बाकी जो है वो इसके चारों तरफ अरेंज हो जाती हैं। तो ये जो है ये कहलाता है इसमें ग्रैनुलोसा सेल्स। ओके, बाद में जो है इसमें और ज़्यादा डिवाइडेशन होगा और जब डेवलपमेंट होगा तो ये वाले जो है ये इसमें डिवाइड होके बाकी वाले जो सेल्स हैं ये तो रह जाएगा इसमें, और बाकी जो है स्टेप से अरेंज हो जाती है, और इसके बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये वाली जो कैविटी है इट इज कॉल्ड एंट्रम कैविटी जो है इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद में ये वाली जो है वो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है जो फीमेल बॉडी के अंदर जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनको मेंटेन करता है। ओके, तो ये वाला था इसमें ओवरी जो होते हैं ओवरी का साइज होता है इसमें 2 to 4 centimeter, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये कंप्लीट है इसमें 2 to 4 centimeter, ये जो है ये इसकी साइज होती है। तो ये जो है ये इसमें यहाँ पे हो रहा है सेकेंडरी ओसाइड या एग जो है लास्ट में जो है इससे इसका फॉर्मेशन होगा एग का, जब इसमें सेकेंडरी ओसाइड कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो एग है एग या फिर जो है इसको बोलते हैं ओवम, और ये जो है ये ही फीमेल गैमेट होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए यूज होता है। अब क्या होगा इसमें जैसे ओवम का फॉर्मेशन हो गया तो ओवम तो रिलीज हो गया, उसके बाद की ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं ये डेस्ट्रॉय होके और जो है कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करती हैं, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करते हैं यदि, और ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये कार्पस ल्यूटियम जो है यहां से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका कंटिन्यूस सीक्रेशन होता रहेगा। यदि एग फर्टिलाइज होता है हो जाएगा तो फिर क्या होगा प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, लेकिन यदि इसका फॉर्मेशन नहीं होता है एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है तब ये वाला जो कार्पस ल्यूटियम है ये कार्पस ल्यूटियम डेस्ट्रॉय होके और कार्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन करेगा, कार्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन होगा और फाइनली ये जो है वो डेस्ट्रॉय हो जाएगा। इस टाइप से जो है इससे दो टाइप के जो है ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनको मेंटेन करेगा, और सेकंड जो है प्रोजेस्टेरोन ये जो है हार्मोन सीक्रेट होगा। ऐसे ही वाली जो ओवरी है इस ओवरी से एग का फॉर्मेशन हो रहा है और एग जो है ये फीमेल गैमेट होता है, यहाँ से एग का जो है रिलीज होना ये होता है ओवुलेशन। एग का रिलीज होना वो क्या कहलाएगा ओवुलेशन। ओके, तो ये जो है ये हो गया कंप्लीट ओवरी। तो ओवरी जो है ओवरी के अंदर यहाँ पे 3 layers थी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया आउटर मोस्ट, जर्मिनल एपिथीलियम मिडिल लेयर एंड ट्यूनिका प्रोपेरिया इनर मोस्ट लेयर। जर्मिनल एपिथीलियम जो होती है इससे ओवेरियन फोलिकल्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है जो कि डिवाइड होके और बाद में जो है वो एग का फॉर्मेशन करती हैं, एग का रिलीज होना ओम का ओवुलेशन कहलाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो फीमेल बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको मेंटेन करता है। और एक ये वाला जो है यदि फर्टिलाइज हो जाता है एग तो ये जो है कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती हैं जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, और यदि एग फर्टिलाइज नहीं होता है देन कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट इंटू कार्पस एल्बिकेंस एंड फाइनली डेस्ट्रॉय। ओके, आई होप कि ये वाला जो है वो आपको समझ में आया होगा। एक जो इसमें एक लास्ट पार्ट और दे रखा है इसमें जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इससे रिलेटेड है, इसमें मेमोरी
ग्लैंड। ये देखिए मेमरी ग्लैंड जो होती है, मेमरी ग्लैंड से मिल्क का फॉर्मेशन होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं न्यूबॉर्न बेबी को फीडिंग करवाते हैं या उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये वाले जो है मेमरी ग्लैंड्स, फीमेल बॉडी जो होती है फीमेल बॉडी में थोरेक्स जो रीजन होता है थोरेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और पेक्टोरल मसल्स जो होते हैं पेक्टोरल मसल्स के आउटसाइड में प्रेजेंट या अपर साइड में प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप से ये वाले जो है ये रिब्स, तो रिब्स के आउटसाइड में ये वाले जो है पेक्टोरल मसल्स, तो इन पेक्टोरल मसल्स के ऊपर ये वाले प्रेजेंट है। स्टेप से ये वाले ये प्रेजेंट रहेंगे, और ये वाले जो है इसमें एक तो यहां पे जो है एडिपोज टिश्यूज जो है वो स्टोर होते हैं, एडिपोज टिश्यू जो है इनके स्टोरेज होने से ये वाले जो है वो स्वेल्ड हो जाते हैं या जो है वेल डेवलप्ड जो है वो दिखाई देते हैं। इसके इनर वाले साइड में यहां पे जो है इसमें मेमरी लोब्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे जो है इसमें मेमरी लोब्स, ये मेमरी लोब्स प्रेजेंट होती हैं, इट इज कॉल्ड मेमरी लोब। और ये वाले जो मेमरी लोब होते हैं इस मेमरी लोब में स्टेप से जो है ये एल्वोलियाई प्रेजेंट होती हैं, ये जो है ये क्या कहलाएंगे इसमें ल्यूमेन ऑफ एल्वोलियाई, ये इसमें ल्यूमेन ऑफ एल्वोलियाई, ल्यूमेन ऑफ एल्वोलियाई। और ये वाले जो है मेमरी लोब्स होते हैं इनका जो नंबर होता है ये होता है नंबर अबाउट 15 to 20, 15 to 20 जो है ये मेमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ से देखिए एक ये वाले जो है जैसे ये वाला प्रेजेंट हो गया, ये वाले मेमरी लोब्स प्रेजेंट है इसके अंदर, और इन मेमरी लोब्स के अंदर एल्वोलियाई प्रेजेंट है, और एल्वोलियाई से यहाँ से इस टाइप से जो है ये डक्ट्स यहाँ से रिलीज होती हैं, डक्ट्स रिलीज हो रही हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो है इस टाइप से यहाँ से भी ये वाले जो है ये रिलीज होंगे, स्टेप्स हैं ओके। और ये वाली जो सारे लास्ट में जाकर एक जो है उसके साथ अटैच हो जाती हैं। तो फर्स्ट जो है ये वाली जो निकल रही हैं, फर्स्ट जो डक्ट होती हैं इट इज कॉल्ड मेमरी ट्यूब्यूल्स, ये वाली जो निकल रही हैं ये कहलाएंगे इसमें मेमरी ट्यूब्यूल। फर्स्ट जो है जो यहाँ से एल्वोलियाई से निकल रही हैं दे आर कॉल्ड मेमरी ट्यूब्यूल्स, और मेमरी ट्यूब्यूल्स हैं वो लास्ट में यहाँ पर अटैच हो गए, और इनका जो फॉर्मेशन कर रहे हैं इट इज कॉल्ड लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, ये जो है ये कहलाएंगे इसमें लैक्टिफेरस डक्ट्स। और ये वाले जो जितनी भी लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं ये आगे चलकर जो है वो एक कंबाइंड इसका फॉर्मेशन करते हैं, डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, दीज डक्ट्स आर कॉल्ड ये वाले जो है ये लैक्टिफ मेमरी डक्ट्स थी, मेमरी डक्ट्स के साथ लैक्टिफेरस डक्ट्स, और ये वाले जो लैक्टिफेरस डक्ट हैं ये वाले जो है वो मेमरी एम्पुला का फॉर्मेशन करेंगी, ये वाले जो है ये कहलाते हैं इसमें मेमरी एम्पुला, मेमरी एम्पुला। और ये वाले जो सारे के सारे मेमरी एम्पुला हैं ये लास्ट में ये जो पार्ट होता है ये कहलाते हैं इसमें निप्पल, निप्पल वाले जो पार्ट है इस निप्पल वाले पार्ट में ओपन होती हैं, और ये वाला जो निप्पल वाला पार्ट होता है इस निप्पल पार्ट से यहाँ से जो है यहाँ से मिल्क जो है वो रिलीज होता है, फीमेल बॉडी जो है वहाँ से ये जो है इस स्टेप से रिलीज होगा, तो ये यहाँ से रिलीज हो रहा है। अब ये वाले जो निप्पल होते हैं इस निप्पल के अराउंड ऐसे चारों तरफ जो है वो एक हाईली पिगमेंटेड एरिया होता है, और ये जो हाईली पिगमेंटेड एरिया होता है इट इज़ नोन एज एरियोला मेमनी, यहाँ से जो है ये कहला इसमें एरियोला मेमनी,
तो एरियोला मेम्ब्रेन जो है ये इसके निप्पल के अराउंड एक हाईली पिगमेंटेड एरिया होता है, ठीक है। तो ये वाले जो है ये होते हैं इसमें ब्रेस्ट, ब्रेस्ट जो है ये थोरेसिक रीजन जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेक्टोरल मसल्स के ऊपर ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनका जो नंबर है वन पेयर होता है। ये वाले जो है इसके अंदर एडिपोज टिश्यू जो होता है इसके अंदर जो है ये वाले जो है मेमोरी टिबल्स, ये वाले जो है ये कहलाएंगे इसमें ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली, ये वाले प्रेजेंट रहेंगे। ओके तो इस टाइप से ये वाले जो है इनसे जो है वो मिल्क का सीक्रेशन होता है। और ये जो मिल्क का सीक्रेशन होता है ये जो है फिटस या न्यूबॉर्न जो होता है उसके लिए एक कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है। इस वाले मिल्क जो है इस मिल्क के अंदर बहुत सारे जो है न्यूट्रिटिव मैटर्स प्रेजेंट होते हैं सच एज शुगर फैट कैल्शियम, ये वाले जो है ये प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम, कैसीन लाइसोजाइम तो ये वाले जो है ये सारे प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूबॉर्न होता है न्यूबॉर्न को इन्फेक्शन से जो है प्रोटेक्ट करते हैं या उसकी इम्यूनिटी जो है उस इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं बढ़ाते हैं ताकि उसमें किसी टाइप का इन्फेक्शन ना हो। ओके स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।